कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेंढक के बारे में। उसको हम मेंढक इसलिए कह रहे हैं कि वो दिखती है डबल बैटरी पर, हम इस वीडियो में उसका नाम मेंढक रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने फिल्टर की ना एकदम लंका लगा के रख दी है, तो उसी को रोस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हमारी लाइव में कल बात हुई थी कि हम इधर से जवाब तभी देंगे जब उधर से जवाब आएगा, पर इनकी मंडली सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। इन्होंने फिर से आज वीडियो छापा है और उस पर टाइटल क्या लिखा, छमिया और कोठे वाली। तो ये लोग जो है ना अपनी संस्कार दिखाते हैं। गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, हमारे संस्कार तो ऐसे नहीं है, पर लाइव में जितनी सारी बातें हुई इनकी गुरु खुद बोली जो हमारी तरफ से अब वीडियो नहीं आएगा। तो भाई साहब ये क्या चीज़ था जो हमने सुबह में देखा है। तो अब हम इतने भी शरीफ नहीं है, क्यों? क्योंकि आजकल शरीफ लोग का दुनिया है ही नहीं। मुंह तोड़ के जवाब अगर दोगे तभी दुनिया में जी पाओगे, ये मेरा कहना है। तो इसी बंदरिया को आज मैं दूंगी डबल बैटरी को जवाब। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना जो ये जवाब उस और उसका ये वाला वीडियो दे। कमीनी औरत है, बहुत ही घटिया औरत है, जो कि बहुत ही घटिया यूज़ भी करती है अपना लैंग्वेज। तो मैं उस घटिया औरत से ये बोलना चाहती हूँ, वो घटिया औरत ये बोल रही है अलका चाहेगा वीडियो बनाने में उस घटिया कमीनी औरत को। तो मैं उस कमीनी औरत से ये बोलना चाहती हूँ, किसी के बारे में इतना गलत मत बोल। तू अपना औकात मेरा, तू अपना औकात दिखा दी जो मैं कितनी औकात में हूँ, कितनी संस्कार मेरी माँ मेरे बाप ने दिया है। तू बहुत ही कमीनी औरत। तो गाइस ये जो डबल बैटरी है इसने 3-4 जनों को खूब इसने गाली गलौच दिया है। तो मैं इससे ये कहना चाहूँगी इसकी औकात क्या है जो ये दूसरे को बोलती है, जो ये फलाना है ये ढिमका है। तेरी औकात ना तेरे मुंह में ऐसे ठूसूंगी ना जो तू फिर वीडियो बनाने लायक नहीं रहेगी, तुझे मैं पहले ही बता रही हूँ। अब तू ही बची थी मेरे नज़र से जो तू आज खुद अपने पाम पे कुल्हाड़ी मार चुकी है। तो तेरी इस वीडियो में बढ़िया से उतारूंगी मैं, तो तू उतर जाएगी ना तो अच्छे से शांति मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तू ही मधुमक्खी की तरह भिनक रही थी इनके मंडली में, अब तेरी बारी है। तो तू इस वीडियो को पूरा देख लियो, खास ये तेरी वीडियो मैंने तेरे लिए बनाई है। और डबल बैटरिक तेरी ऐसी तैसी तुझे करानी थी, जब ही तू सारे लोगों को गाली दी है, इतना बुरा बुरा तूने बोला है, तुझे शर्म नहीं आ रहा है क्या? बैटरिक के पास कुछ टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए ये सोची मुझे हुई आग में क्यों ना घी मैं भी थोड़ा सा डाल दूँ ताकि मैं भी चर्चे में आ जाऊँ, है ना। तो बेटा सुन, तू ना चर्चे में आने लायक बिल्कुल है नहीं, समझ गई ना। तेरी जो गोबर खाने की जो आदत है ना, तू खुद कहती है जो हम लोग चमचे हैं तो हम चमचीगिरी करेंगे, तो तू चमचीगिरी कर सकती है। तेरे में वो टैलेंट है जो हमारे अंदर नहीं है। चमचीगिरी करने की टैलेंट जो है ना भगवान हर किसी को नहीं देता है, तुम्हारे जैसे लोगों में देते हैं। तो तुम लोग करो, शांति से करो, पर गंदी लैंग्वेज मत यूज़ करो। हजार बार कह दियो खाली हेलो गाइस दीदी को ये बोला है, उसको ये बोला है, बस इतना ही रामायण रहती है तुम्हारी। बाकी क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं हो रहा है उस पर वीडियो नहीं बनाना है। हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग गरीब हैं, उनको हेल्प नहीं करोगे तुम सब उसके पीछे पड़ोगे जिसके चैनल पे व्यूज़ आता है, जिसका नाम है, रुतबा है, दौलत है, शोहरत है, उसके पीछे लग जाओ सारे झुंड बना के, खा लो उसको, निकल जाओ जितना हो सके उतना निकल जाओ सारे। ये टैलेंट है तुम्हारे अंदर, सच बताऊँ मैं। और मैं डबल बैटरी तुझे समझा रही हूँ, तू जो किसी को भी अगर गलत कहेगी ना तो सबसे पहले वो तू डिज़र्व करती है, ठीक है, उसके बाद में तू दूसरे को बोलियो। और तुझे ही लग रहा है गोबर खाना था ना, इसीलिए तू तड़प रही थी, तेरी इतनी तड़प बढ़ गई ना गोबर खाने की, जो इसीलिए तूने दो दो वीडियो छाप दिए। तो तू बढ़िया से एक ही वीडियो में गोबर खा लियो, हम तो पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे नहीं बनाते, एक ही में बढ़िया तरीके से धो डालते हैं सर्फ साबुन लगा के, ठीक है। तो तू भी धुल गई, अब सूख जाइयो खुद ही जाके। तू मुझे रोड पे कवाड़ा बीनने वाली दिख रही है, सच बताऊँ तो मैं वो भी तेरे से लाख गुना अच्छी है, वो भी कमी है तेरे लिए। एक काम कर, तू कवाड़े वाली बन जाओ, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर तू चिल्लाइयो कवाड़े ले लो, कवाड़े ले लो, मैं छमिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तेरे पे सूट करेगा। तू जो वीडियो बना के किसी को कोटे वाली बोलती है, तो एक बात बता, तेरे घर में भी फैमिली होंगे, तेरे सास ससुर होंगे ना, वो लोग तो देखते होंगे अरे यार मेरी बहू देख कैसी है, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही है, कुछ इस टाइप का बोलेंगे तेरे सास ससुर तुझे।
ठीक है ना, तू जो दूसरे के लिए बोल रही है। और तुझे मैं बता दूँ, हम लोग की सारे हमारे जितनी भी बहनें हैं ना, सब के तरफ से था ये वीडियो, मेरे एक तू ही बची थी हमारे तीर छिन्न जरिया से, ठीक है ना। तो तुझे जवाब मिल गया होगा। अब जो गोबर की चोट ज़्यादा उल्टियाँ करी ना अगर तूने अपने वीडियो में, तो बता दे रही हूँ, इधर ना लोग खामोश है ना, तो ये मत समझ लियो जो बजा के चले जाएंगे, समझ गई ना। ऐसी उतारूंगी ना जो तू उतारने लायक नहीं रहेगी, समझ गई ना। और तू क्या कह रही है, औकात हाथ में दे दूंगी तो सुन भिकारन, तेरी औकात क्या है नहीं है सब मुझे मालूम है, और मैं तेरी औकात तेरे मुंह में ऐसे ठूस दूंगी ना जो तू जब भी निकलेगी ना बाहर तो संस्कारी और सुशील बन के निकलेगी। बता रही हूँ, हमारे मामले में अपनी टांग हाथ मत घुसेड़, हम ना बहुत डेंजर आदमी है, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय 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 हाय, ठीक है ना। तो तुझे हाय हाय करनी है तो तू आ जाइयो, ओके, हमारे लिए वीडियो बना दियो, हम 4-5 जने बहने हैं, तो उन सबके ऊपर वीडियो छाप दियो फुर्सत में। तेरी बात कर रही हूँ अकेली, बाकी को तो साइड हटा, बाकी से कोई लेना देना नहीं है, बाकी जगह सब अपने काम कर रहे हैं, पर तुझे शायद तेरी काम मिल नहीं रहा था ना तुझे, तो इस वीडियो के माध्यम से तुझे मैंने काम दे दिया है, तो तू अपनी काम पर लग जा आज से, ठीक है, ओके। तो गाइस, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, और मेरे बहने यूट्यूब पे जो आप लोग देख रहे हो ना, तो इस घटिया सी औरत को बता देना जो फिल्टर की ऐसी तैसी ना करे, ठीक है ना। दिल से बुरा लगता है जो कोई डबल बैटरी जैसा लोग अगर फिल्टर की ऐसी तैसी करे, तो बहुत दिल से बुरा लगता है, इसीलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना तब तक।